गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के राजपथ में आसियान देशों के 10 मुख्य अतिथियों के समक्ष देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। सबसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरंगे को सलामी दी। परेड के दौरान भारत की सैन्य ताकत और सांस्कृतिक झलकियां देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद परेड समारोह शुरू हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय थल सेना, वायु सेना और नौ सेना की सलामी ली। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वायु सेना के शहीद गरुड़ कमांडो JP निराला को शांति काल के सबसे बड़े वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया। उनकी पत्नी ने राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त किया। इस दौरान राष्ट्रपति भावुक नजर आए। पिछले साल जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान में 31 वर्षीय यह भारतीय वायुसेना कमांडो शहीद हो गए थे। इस अभियान में 6 आतंकवादी भी मारे गए थे। उधर परेड में पहली बार मोटरसाइकिलों पर सवार BSF के 30 महिला जवानों ने अपने हैरत अंगेज करतब से देश को गौरवान्वित होने का मौका दिया। वहीं वायुसेना के कई लड़ाकू विमानों ने आसमान में अपनी ताकत दिखाई। इसके बाद विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक झांकियां पेश की गई, जिन्होंने विविधता में एकता का संदेश दिया। राजपथ पर राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित बहादुर बच्चों की झांकी भी निकली। देश भर के विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से भी मौजूद दर्शकों का मन मोहा। राजपथ पर गणतंत्र दिवस का समारोह खत्म होने के बाद PM मोदी ने आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों को विदा किया और इस तरह दुनिया के सामने भारत की गौरव गाथा, संस्कृति और ताकत के प्रदर्शन के साथ इस समारोह का समापन हुआ। गौरतलब है कि 1967 में स्थापित आसियान में 10 देश शामिल हैं।